हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे चाइनीज़ मंचूरियन भेल, जो बहुत ही टेस्टी होता है और इसको सब बहुत ही पसंद करते हैं। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने चाइनीज़ मंचूरियन भेल को बनाना स्टार्ट करते हैं। चाइनीज़ मंचूरियन भेल बनाने के लिए हमने लिया है आधा टुकड़ा पत्ता गोभी, इसको हम बारीक से चॉप कर लिए हैं। उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको डालेंगे। अभी बाजार जैसा बनाना है तो उसमें 1 पिंच मैंने फूड कलर यूज़ किया है। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते तो आप बीट रूट ले सकते हैं, उसको बारीक चॉप करके, उससे भी कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो अभी हम 4 स्पून मैंने मैदा लिया है, मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा। 3 स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, उसको डालेंगे। और स्वादानुसार नमक डालेंगे। अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे गाइस, इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने नमक डाला है तो ऑलरेडी नमक डालने से पत्ता गोभी जो भी पानी रहेगा वो बाहर निकलेगा। तो अभी हमको इसको थोड़ा ड्राई लग रहा है तो इसमें थोड़ा पानी लगा के इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए गाइस, अभी ये हमको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी तरह से मिक्स हो गया है। ये देखिए कितना गीला हो गया, पहले हमने पानी डाला नहीं था, वो बाद में पूरा नमक के वजह से पानी छोड़ता है। तो अभी हमारा बैटर रेडी हो गया है, तो हम अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो हमने कढ़ाई लिया है तो उसमें तेल डाला है, गर्म हो गया है, तो उसमें हम अपना बॉल्स को फ्राई करेंगे। बॉल्स को बहुत ही छोटे आकार में करना है गाइस, जैसा रोड पर हम लोग देखते हैं ना, वो बेल बनाते हैं तो छोटा छोटा ही रहता है उनका, बड़ा नहीं रहता आकार, तो आप उसी तरह फ्राई करेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए गाइस, हमारा ये रेडी हो गया है, गोल्डन ब्राउन पूरी तरह से होगा तो इसको हम निकाल लेते हैं। हमने एक प्लेट में निकाल लिया है तो इसको साइड में रख देते हैं। अभी हम इसको एक बाउल में डाल देंगे, उसमें हमने ड्राई नूडल्स डाला है। इसकी रेसिपी हमने अपने चैनल पे दिया हुआ है तो आप जाके देख सकते हैं। और इस पर पत्ता गोभी बारीक काट के डाला है और सेजवान चटनी डालेंगे। सेजवान चटनी आप अपने अनुसार कर सकते हो कम या ज़्यादा, आपको ज़्यादा लेना है तो आप ज़्यादा कर सकते हो। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी हम एक प्लेट में इसको निकालेंगे। ये देखिए गाइस, तो उसके ऊपर से हमने ड्राई नूडल्स डाला है और पत्ता गोभी थोड़ा डालेंगे, तो बन गया पूरा मार्केट के जैसा। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, इसे बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आज की रेसिपी आपको हमारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक मिलते हैं एक नए मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।